ये ऐसा पार्सल आया है जिसको मंगाने के बाद से मंगाने वाला भूल गया कि इसमें है क्या। हाँ तो गाइज अभी ये देखो, ये पीछे का कवर देखिए, कहीं हम भूल गए तो साइड में ये है। ये पहली बार ये मंगाया गया ऑनलाइन इनके लिए चूड़ी, और इन्होंने ये चूड़ियाँ पहनी थी तो उस हिसाब से इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ इसमें आ गई हैं कि इसमें ये हर कलर का मैच करके पहनेंगी, और डिपेंड करेगा कि चूड़ी अच्छी लगेगी कि नहीं। अरे सब कलर की चूड़ी है बार, लेकिन ये देखा जाए कि चूड़ी का वो कैसा है, क्योंकि दुकान पे जो दे रहा था ना वो प्लेन वाली चूड़ी 20 रुपये का दे रही थी, और वो वाली 40 रुपये में दे रही थी। हाँ, और 50 रुपये में खोलिए। आप खोलिए, क्यों तुम खोलो भैया, हाँ ला खोलो। तो गाइस इनसे अनबॉक्सिंग कराया जाए तो देखा जाए, धीरे धीरे अनबॉक्सिंग हो रही है, एक आपका हाथ ही कट जाएगा अनबॉक्सिंग के चक्कर में। और भाभी की यहाँ पे 4 लाख रख दी है, अब देखो एक अनबॉक्सिंग भी नहीं ये लोग कर पा रही हैं। तो ये किया गया नहीं, 320 कुछ में है वो वाला दूसरा था, मीशो से नहीं है, फ्लिपकार्ट से है, 380 है, 320 कुछ है। हाँ यही चाहिए था ना तुमको, सारा कलर दिया है। अब टमाटर कलर है, ब्राउन है, येलो है, रेड, व्हाइट। अब अगर तुम ये बताओ तुमको सेम पहनना है तो एक सेट और मंगा दो, नहीं तो इसमें एक चूड़ी हो जाएगा तो हमेशा के लिए। हाँ उसी में तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, ऐसे बुरा नहीं, अच्छा है। आप साइज देख लीजिए, ठीक ना। सो गाइस देख सकते हो सुबह सुबह यहाँ पे बन गए दही बड़े। तो ये हैं मेंदू बड़े, है ना, तो वो उसके अरे मतलब उड़द के ही मेंदू बड़े बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ पे बहू लगी हैं सास लगी हैं दोनों ने मिलकर ये काम किया है, और हमारा काम है इसमें से बस खाएंगे, बस मैं एक ही बार खा पाती हूँ, दोबारा नहीं खा पाती हूँ, तो खट्टा हो जाता है ना वो हमको दही से। देखिए कैसे यहाँ पे हमारे यहाँ दही बड़ा बनता है, ये देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा टिप्स इनकी सास ने इनको बताई है, जिस जो ये टिप्स बेचारी फॉलो कर रही है। मसाला क्या देख लो, वो सब कुछ है, भुना जीरा पाउडर, हाँ हाँ वो सब। मैं यहाँ पे सब सास की अभी होली तो आज तो खेलने दोगी ना, आज गुलाल वाली होली होगी। यहाँ पे ये बनाते हुए अपनी क्या क्या डाला है, भुना जीरा, काला नमक, काला नमक और हल्का सा बीच में जगह है उसका। हा? तो बताओ भाई, भुना जीरा और इलायची पाउडर और इलायची पाउडर, लाल मिर्च, हाँ करनी, लाल मिर्च पाउडर, बस लाल मिर्च पाउडर डालो अपने टेस्ट के हिसाब से, जो मर्जी इसमें डाल लीजिए हो जाएगा। और क्या है, और यहाँ पे ये रेडी रखा है, इसको पानी में, इलायची पाउडर थोड़ा मीठे चीज है। इस रेसिपी को बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, क्योंकि चार लोग चार तरीके से बता रहे हैं, तो आप लोग हो सकता है हौच पोच हो जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, क्योंकि ये बतानी चाहिए क्या पत्ती सभी सुबह। तो मैं नहीं हट रही हूँ भाई, और उसके बाद ये इसको पानी भिगो के रखा गया, अब ये इसमें डाल दिया जाएगा, नहीं इसको निकाल के इसमें डाल दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, रात का गड़बड़ हुआ है, बड़ा था ना, होली दही बड़ा के बिना अधूरा है। नहीं ये लास्ट वाला ऊपर से यूपी की होली दही बड़ा के बिना अधूरा है। तो गाइस यहाँ पे सुबह सुबह देख सकते हैं आप लोग बन रहे हैं कचरी, इसको बोलते हैं कचरी, जो कि चावल भिगो के बॉयल करके चावल उसको बना के उसको पीस के यहाँ पे कचरी बनाई जा रही है, सुबह से लेके आई हैं मीसो से। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की व्लॉग हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, दिन में 3 बज रहे हैं, और बस व्लॉगिंग स्टार्ट किया है और नहा के रेडी हो गई हूँ, अरुण भी आ चुके हैं। हाय व्लॉग, हाय,
ये आते फोन पे अपने लग गया बेचारे को, ऐसे लग रहा कोई बहुत बड़ा इसका होमवर्क रह गया था जिसको इसने नहीं किया है, तो वो करने लग गया ये। और अभी बस खाना खाते हैं, दोपहर का लंच करते हैं और कुछ नहीं, बस लंच करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अरे कैडेट नहीं गया, तो यहाँ पे चल रहा है लंच। ये तो कंफर्टेबल है, इनके साथ कोई दिक्कत है, वहाँ पे अनकंफर्टेबल है। और यहाँ पे मेरा खाना है, आरोन अभी आता होगा, वो भी अपना खाना खाएगा। आरोन फैन बंद कर देते हैं ना, बाहर नहीं बंद किए, अच्छा आवाज़ आएगी यार बाबू। चल ठीक है कोई बात नहीं। हाय गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम लोग फिर से ऐसे बैठे हुए यार, फैन चल रही इसलिए आप लोग आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही होगी। और दोपहर में खाना खाने के बाद से इतना ज़्यादा आलस हो रहा था ना, कि मैं आके लेट गई थी। और इसको इसने एंकरिंग करी हुई, एंकरिंग मतलब इसको कल कल इसको मतलब एंकर बना हुआ है कल, तो तो उसमें एंकर का इसका रोल है। और पूरा दिन प्रैक्टिस करके आया तो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था। बहुत टाइम अपने आप को टीवी में थोड़ा उलझा के रखा था, हमने बोला सो जा पर नहीं सोया था, इसको नींद नहीं आती ना दिन में, तो इसलिए नहीं सोया था। और अभी थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ है तो वीडियो में आ गया है। और मेरी माता जी वहाँ पे हैं, तो हम लोग दिन बहुत बात ही कर जाते हैं, ब्लॉगिंग ना हो पा रही यार। और कल मुझे इसने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि सक्सेस होना है तो आलस करना आपको छोड़ना पड़ेगा, इसने मुझे बोला। ये कल बोला था जो मैं आलसी हूँ कि नहीं, हर कोई आलसी मतलब दोनों गेम खेल गया लड़का, ये मुझे ये बोल रहा है कि ये मुझे ये बोल रहा है कि आप व्लॉगिंग नहीं कर रही है दो दिन से, आप आलस में अपनी व्लॉगिंग छोड़ रही हैं, तो आपको जल्दी सक्सेस नहीं होगा, तो इसलिए आप डेली व्लॉगिंग करिए जिससे आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। इनको देखिए, इन्हीं से बातें करते करते पूरा टाइम हमें बिता।